नमस्कार दोस्तों, नीरज एक आवाज़ में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में खास क्या है, आज की वीडियो मैंने उन सभी नए यूट्यूबर के लिए बनाई है जिन्होंने अपना अभी चैनल बनाया है और वो उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि हम हमारा जो चैनल है वो अपने मोबाइल से कैसे हैंडल करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। लेकिन आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। और मैं जो भी एप्लीकेशन आपको बताऊं, यदि वो आपको प्ले स्टोर पर न मिले तो आप लिंक के माध्यम से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों, मैं बताता हूँ सीधा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, कि वो एप्लीकेशन कौन सी है। तो हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में हमको लिखना पड़ता है YT स्टूडियो। जब हम YT स्टूडियो लिखते हैं तो ये आइकॉन आता है और हम इसको ओपन कर लेते हैं। एक बार आपने जो भी चैनल बनाए हुए हैं, एक से ज़्यादा बनाए हुए हैं, तो वो एक से ज़्यादा शो हो जाएगा यहाँ से। तो मैं ऊपर क्लिक करता हूँ ऊपर, और मैं अपने चैनल, देखो दोस्तों मैंने ये चैनल बनाए हैं, ये सभी शो हो गए हैं यहाँ से क्लिक करते ही। और मैं इसकी डिटेल बताना चाहता हूँ, अपने एक चैनल की डिटेल बताना चाहता हूँ, तो देखो कैसे बता सकते हैं। देखो 28 दिन के अंदर मुझे कितने लोगों ने कितने मिनट देखा है। तो 28 दिन, यदि मैं एक महीने की बात करूँ तो मुझे 50,289 मिनट मुझे लोगों ने देखा है। कितने लोगों ने देखा है तो 14,153 लोगों ने मुझे देखा है। और कितने मिनट देखा है, 50,289 मिनट देखा है। सब्सक्राइबर और नए कितने बने हैं, वो 123 बने हैं। और एक महीने की मेरी जो अर्निंग है $2.86 है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती भी जाती है। तो मैं एक बार व्यू मोर पर क्लिक करता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपने जब से चैनल बनाया है तब से लेकर अब तक आपकी अर्निंग क्या है, आपके व्यूअर क्या है, तो वो भी मैं आपको क्लिक बता देता हूँ क्या कैसे आप पता लगा सकते हैं। रियल टाइम व्यूज़ पर आप क्लिक करें एक बार, और आप जितना चाहे उतने दिन की आप देख सकते हैं कि कितने टाइम आपको देखा गया है, कितने लोगों ने आपको देखा है। मैं लाइफ टाइम पर क्लिक करता हूँ और मुझको आप देखें मेरे व्यूअर कितने हैं। अब तक 1,65,621 लोगों ने मुझे अब तक देखा है। और ऐसे ही यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे कितनी देर देखा है अब तक, तो हम ऊपर से क्लिक कर अब लाइफ टाइम पर हम क्लिक कर देते हैं। अब तक मुझे 5,62,883 मिनट देखा गया है। देखो दोस्तों, हाँ, अब यदि आप देखना चाहते हैं कि आपकी अर्निंग अब तक कितनी हुई है इस चैनल के माध्यम से, अब तक मेरी $10.94 अर्निंग इससे हुई है इस चैनल के माध्यम से। और भी बहुत कुछ है इसमें, यदि आप धीरे धीरे आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी, जैसे कि आपकी वीडियो कहां पर कौन से देश में कितनी देर देखी जाती है उसका भी आपको पता चल जाता है। और देखो दोस्तों, ये वो सभी कंट्री है जहां पर आपकी वीडियो देखी जाती है, कितनी कितनी देर देखी जाती है, कितने परसेंट देखी जाती है। वो सबसे ज़्यादा मेरी इंडिया के अंदर देखी जाती है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद सऊदी अरब, ऐसे करके ये आपके आगे ये आ जाएगा। अदर में कितना देखा जाता है वो आपके आगे है। ऐसे ही दोस्तों, आपको एज ग्रुप का भी पता लग जाता है कि कितनी उम्र के लोग आपको कितने परसेंट देखते हैं। जैसे कि मुझको 25 से लेकर 34 उम्र तक के जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। मेल कितने देखते हैं, फीमेल कितने देखते हैं, काफ़ी कुछ आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। ऐसे ही हम एक बार वीडियो पर क्लिक करते हैं और ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो हम मोस्ट व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके आगे आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा वीडियो आपकी कौन सी अब तक देखी गई है। ऐसे ही हम यदि एडिटिंग करना चाहते हैं, जब आप वीडियो डालते हैं और उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी वीडियो में एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप उसी वीडियो पर क्लिक करते हैं, ऐसे जैसे कि मैं कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर ऊपर पेंसिल का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपके आगे ये एडिटिंग आ गई। आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपने टाइटल को बदल सकते हैं ऐसे कुछ भी करके, और डिस्क्रिप्शन में भी जितना चाहे लिख सकते हैं। ऐसे ही आप टैग भी लगा सकते हैं यहीं से ही। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है ऊपर, मोनेटाइजेशन पर क्लिक करें, तो मोनेटाइजेशन
आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। यदि आप नए यूट्यूबर हैं, यदि आपके 1000 सब्सक्राइबर अब तक हुए नहीं हैं या 4000 घंटे जो वॉचिंग टाइम है वो भी नहीं हुआ है, तो आपका मोनिटाइजेशन ऑन नहीं होगा, मतलब रुपये के लिए आपकी वीडियो नहीं डाली जाएगी। उसके बाद जो आता है एडवांस सेटिंग, तो यहाँ पर आप कैटेगरी दी हुई है कि आपने जो वीडियो डाली है वो कौन सी कैटेगरी की है। आप यहाँ पर क्लिक करके यदि आपकी कॉमेडी है तो आप इसमें कॉमेडी के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, या एजुकेशन से रिलेटेड आपकी वीडियो है तो एजुकेशन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे ये सेटिंग है। इसके बाद स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, यदि आप कॉमन रखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सबको परमिशन देते हैं कि आपकी वीडियो वो आसानी से डाउनलोड करे ताकि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। और लाइसेंस मतलब स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस मतलब आप किसी को भी परमिशन नहीं दे रहे हैं कि आपकी वीडियो को वो डाउनलोड करे। देखो दोस्तों कितनी आसान सेटिंग है और कितने एक ही एप्लीकेशन के अंदर ये सब कुछ है। अच्छा दोस्तों और भी काफ़ी कुछ है, आपको धीरे धीरे जब आप इसको यूज़ करना आप स्टार्ट कर देंगे तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, आपके कमेंट की जानकारी हो जाएगी, एनालिसिस हो जाएगा। अच्छा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों।